आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक ऐसे दान के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि यह दान आप जिंदगी में एक बार भी दे देते हैं तो फिर आपको शेष और दूसरे कोई दान देने की विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। आप मन में ऐसा भी सोच रहे होंगे कि निश्चित ही कोई ना कोई धन, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, मकान इत्यादि के दान के बारे में गुरुजी चर्चा करने जा रहे होंगे, तो यह आपकी शंका बिल्कुल ही निर्मूल है। हम आज ऐसे किसी भी दान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपा करके आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से आज इस वीडियो को डाल रहे हैं वह हम अपना उद्देश्य वीडियो के किसी भी भाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक बात और बता दें कि यह रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, मकान इत्यादि के दान से संबंधित यह भाग बिल्कुल नहीं है। जब आप हमारे इस भाग को पूरा देख लेंगे तो आपके भी मन में बड़ी ही असीम प्रसन्नता होगी और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जिस दान के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं आप उस दान को अवश्य ही करेंगे। इतना मुझे आप सभी दर्शक बंधुओं पे पूरा भरोसा भी है। अब मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, वे अलग अलग तरीके से अलग अलग सेवाएं मंदिर में प्रदान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भक्तों को देख कर के उनका परिहास उड़ाते हैं, कहते हैं बड़ा ही भगत बना फिरता है। परंतु शास्त्रों में बताया है कि जो लोग मंदिर में जाकर के झाड़ू इत्यादि लगाते हैं वे बीमार नहीं होते। अब आप कहेंगे कि यह तो बिल्कुल सरासर झूठ है, बहुत से लोग बीमार भी हो जाते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूँ, लेकिन मंदिर में सेवा देने वाले बहुत ही कम लोग बीमार होते हैं। और यदि किन्हीं के घर में कोई सज्जन असाध्य बीमारी से पीड़ित हो तो हमें उनके शीघ्र ही रोग से मुक्त होने की कामना से मंदिर में झाड़ू इत्यादि लगाना चाहिए। जो मंदिर में रंगोली बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि ऐसे लोग उस अपने इष्ट देवता के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। एक रंगोली या एक चौक बनाने से भक्त को धर्म की प्राप्ति होती है, और दो चौक या रंगोली बनाए तो उसके लिए आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से तीन चौक अथवा तीन रंगोली जो बनाता है उसे दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होती है। चार चौक या चार रंगोली जो मंदिर में जाकर के बनाते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पांच चौक या पांच रंगोली जो बनाते हैं उनके लिए धन धान्य इत्यादि प्राप्त होता है। ऐसे ही जो छह चौक
या छह रंगोली बनाते हैं उनके लिए, जो सात चौक या सात रंगोली बनाते हैं उनके लिए, आयु, धन, यश और शासकीय शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मंदिर में जो जल की व्यवस्था करते हैं, जो पीने योग्य जल का वहाँ पर प्रबंध कर देते हैं, ऐसे भक्त के जो पुरखे होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वे बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से वह भक्त अन्न, धन और नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ऐसे भक्त के पूर्वज सानंद स्वर्ग में निवास करते हैं। अब इन सब के अलावा एक दान और एक सेवा ऐसी भी है जिसे करने के पश्चात फिर कोई भी दान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप जिंदगी में हम जो दान बता रहे हैं उस दान को कर दीजिए, इसके बाद में आपको फिर और कोई दान देने की विशेष आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यह सत्य और प्रमाणिक बात कह रहा हूँ। आप किसी भी मंदिर परिसर में एक वृक्ष लगा दीजिए, आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष से आपके पूर्वज तो सुंदर लोक प्राप्त करेंगे ही। जब आप भी इस धराधाम का त्याग करेंगे तो आप स्वर्गलोक भी जाएंगे। और ऐसा प्राणी जो वृक्ष लगाता है, जिसने अपने व्यय से या अपनी मेहनत से किसी वृक्ष का रोपण किसी मंदिर परिसर में किया है, ऐसा वृक्ष का दानदाता जब इस धराधाम का त्याग करता है और स्वर्गलोक को जाता है, तब वहाँ इंद्र और धर्मराज भी उस भक्त की पूजन करते हैं। साथ ही अन्य लोकों के देवी देवता भी धर्मराज के पास में सूचना भेजते हैं कि आपके पास में मृत्युलोक से जो महान धर्मात्मा आए हैं उन्हें हमारे लोक में भी भेजा जाए। इस प्रकार से वह जो वृक्ष का दानदाता प्राणी होता है, वह अनेक अनेक लोकों में पूजन स्वीकार करता हुआ और अंत समय में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। बंधुओं, आज की प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।